एपिसोड ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार होममेड विदाउट प्रिजर्वेटिव्स विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स पाइनएप्पल जैम की रेसिपी। जी हाँ, पाइनएप्पल जब फ्रेश हो, मार्केट में खूब मिल रहा हो, उस समय आप पाइनएप्पल लेके और ये जैम बना के एंड इवन विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आप इसको अगर रेफ्रिजरेट करें तो 2 to 3 months ये आराम से चलता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि पाइनएप्पल जैम बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे इंग्रेडिएंट ट्रे देख सकते हैं, इनमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं और बहुत ही मजेदार पाइनएप्पल जैम बन जाता है। यहाँ पे है मेरे पास 1 cup प्यूरीड पाइनएप्पल। तो इसमें मैंने क्या किया, पाइनएप्पल लेके उसको छील के एंड मोटे मोटे क्यूब्स काट के एंड देन उसको विदाउट वाटर मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड कर लिया। कोर्सली ग्राइंड करने के लिए ये करें आप कि पूरा एक साथ ब्लेंडर नहीं चलाना है, आप ब्लेंडर को ऑफ ऑन करके करें ताकि थोड़ा कोर्स रहे, उसमें जो टेक्सचर आता है जैम में ना वो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ जब ये हमारा 1 heaped cup है तो 1/2 cup से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी एंड 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस, दैट इज ऑल दैट इट टेक्स टू मेक द पाइनएप्पल जैम। मैं आपको ये बता दूं कि देर इज अ मटीरियल कॉल्ड पेक्टिन इन फ्रूट्स जो कि जब जैम बनता है तो उसको टेक्सचर देता है, उसको जेल फॉर्म में लाता है, जैसा कि हम जैम देखते हैं। नाउ पाइनएप्पल इज वन फ्रूट विच इज वेरी वेरी वीक इन पेक्टिन। जो हमारी बेरीज होती है ना, दे आर वेरी हाई इन द पेक्टिन कंटेंट, बट पाइनएप्पल है या मैंगो है, ये सारी फ्रूट्स जो है दे आर वेरी वीक इन पेक्टिन। तो उस चीज को टेक केयर करने के लिए वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड लेमन। बोथ ऑफ दीज व्हेन एडेड टू द जैम गिव इट दैट टेक्सचर, उसको जेल करने में मदद करते हैं एंड दीज आर व्हाट आल्सो हेल्प अस टू प्रिजर्व द जैम विदाउट यूजिंग अ प्रिजर्वेटिव। सेकेंडली, वी नीड अ वेरी क्लीन स्टरलाइज्ड बॉटल टू स्टोर आवर जैम। ये बहुत जरूरी है। तो जिस दिन भी जैम बनाना हो उसके 1 दिन पहले आप बॉइलिंग पानी से इस बॉटल को, उसके ढक्कन को धो लें एंड देन जस्ट लेट इट ड्राई इन एयर नेचुरली। अ वेरी ड्राई एंड क्लीन बॉटल इज अ मस्ट टू बी एबल टू प्रिजर्व द जैम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो दोज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड मेकिंग द जैम। आइए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल झटपट बनने वाली मजेदार 3 ingredient वाली पाइनएप्पल जैम। सो पाइनएप्पल जैम बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग कोई भी पैन एंड कढ़ाई या कढ़ाई कुछ भी आप ले लें, उसको मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में ही रखना है एंड देन वील सिंपली एड आवर पाइनएप्पल प्यूरी इन टू इट, द कोर्सली ग्राउंड पाइनएप्पल प्यूरी एंड अलॉन्ग विद दिस द शुगर। लेमन जो है वो हमें अभी इस स्टेज पे नहीं एड करना है, लेमन वी विल एड इन द एंड आफ्टर वी हैव टेकन द जैम ऑफ फ्रॉम द फ्लेम। सो ये दोनों ऐड करके वील जस्ट लेट इट सिंपली कुक ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम। कंटिन्यूसली भी इनिशियली स्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 4-5 minutes लग जाएंगे फॉर द शुगर टू मेल्ट। आफ्टर दैट वील नीड टू स्टर इट मोर कंटिन्यूसली। अभी वी कैन काइंड ऑफ लीव इट, बी अराउंड बट यू कैन लीव इट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो जैम है ये कुक होते होते करीब अब 7 to 8 minutes हमारे हो गए हैं। आप देख सकते हो इसमें कितनी खूबसूरत सी एक ग्लेज आ गई है, बट इट इज स्टिल अ लिटिल रनी। इसको हम लोगों को जो फाइनल हमें जैम की कंसिस्टेंसी चाहिए ना, उतना नहीं कुक करना है बिकॉज वंस इट गेट्स कूल डाउन तो वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा और वो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी दिस नीड्स टू बी कुक्ड फर्दर। Some people like to add a little yellow color in the jam to give it a more yellow, but personally I don't like to add anything artificial. Jab sab kuch natural bana rahe hain, to let's keep it natural throughout. So I don't like to add any color, any preservative, nothing. Aap dekh sakte ho ki bahut hi simple recipe hai ye, like most of my other recipes. I love cooking, but then I really don't want to spend too much time in the kitchen. So all my recipes are easy and simple to cook and with अवेलेबल इंग्रीडियंट्स इन हैंड। तो वंस ये हमारा जब पूरा अच्छे से बबल होना शुरू हो जाता है, उस स्टेज पे हम लोग इसको जो गैस को है वो फ्लेम को हम बिल्कुल सिम कर देंगे एंड इस स्टेज पे यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन नाउ द जैम इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट डन। सो एक ये मैं आपको टिप देती हूँ हाउ टू चेक वेदर द जैम इज कुक्ड और नॉट, बिकॉज देखने में ये अभी बहुत लिक्विड लगता है, बट वी आई लाइक आई टोल्ड यू हमें थोड़ा लिक्विड ही बाहर निकालना होता है। तो जस्ट टेक अ ब्लॉब ऑफ द जैम, पुट इट ऑन अ प्लेट
एंड इसको हल्का सा हम टिल्ट करेंगे। ये देखिए अभी ना यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पानी की ट्रिकल निकल रही है, दिस मीन्स दैट द जैम स्टिल नीड्स टू बी कुक्ड फर्दर फॉर मे बी 5 to 7 minutes। तो ये हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा कुक करके वी अगेन सी द जैम वंस पुट ऑन अ प्लेट शुड सेट एंड वंस यू टिल्ट इट कोई उसमें से वॉटरी लिक्विड शुडंट ऊज आउट। अगर आप इंस्टेंटली इस टेस्ट को और ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो जो प्लेट है ना उसको आप फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर बिफोर यू वांट टू डू द टेस्ट। अगर एकदम ठंडी प्लेट होगी तो ये टेस्ट आपको और क्लियरली नजर आए। सो नाउ द जैम इज डन, अब हम लोग इसको स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करके भी आप इसको थोड़ा सा स्टर करते रहें क्योंकि जो कुकिंग यूटेंसिल है आपका वो गर्म है तो वी डोंट वॉन्ट टू ओवर कुक इट। इसको हम स्टर करके एंड देन जो स्टीम है वो थोड़ी सी हमारी इवेपरेट हो जाए, बाहर निकल जाए। एट दिस स्टेज नाउ जो हमारा 1 tablespoon ऑफ लेमन है, लेमन जूस, वो अब हम इसमें डालेंगे एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमारी जो बॉटल है दैट शुड बी रेडी क्योंकि वी वुड लाइक टू बॉटल इट इमीडिएटली। आप इसको छोड़ोगे नहीं क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे लाइक आई टोल्ड यू कि जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो ये बहुत थिक हो जाएगी तो फिर बॉटल करने में मुश्किल होगी। बॉटल हम अभी कर देंगे लेकिन लिड हम गर्म पे नहीं लगाएंगे। तो जस्ट लेट्स बॉटल द जैम नाउ। तो ये अब हमारी जैम रेडी है, बॉटल हमारी स्टरलाइज साथ में पड़ी है। इसको अब हम लोग ये देखिए इसमें हम फटाफट से गर्म ही जैम को इसमें डालेंगे क्योंकि वी डोंट वॉन्ट दैट द जैम शुड यू नो काइंड ऑफ गेट टोटली कोल्ड एंड फिर वो जम जाएगी तो बॉटल करने में मुश्किल होती है। सो इसको इसी कंसिस्टेंसी में हम बॉटल कर लेंगे लेकिन याद रखिएगा कि गर्म जैम में बॉटल का ढक्कन नहीं लगाना है। वी विल जस्ट लीव इट आउटसाइड ओनली, रेफ्रिजरेट अभी नहीं करना है, हम बाहर ही इसको छोड़ देंगे फॉर इट टू कूल डाउन एंड ओनली वंस इट कम्स टू रूम टेम्परेचर विल वी पुट ऑन द लिड। तो वॉजंट दिस एन ईजी रेसिपी फ्रेंड्स, मतलब 15 मिनट में हम लोगों की ये जैम बन के रेडी हो जाती है। एंड आप यकीन मानो कि इसकी जो खुशबू है बिल्कुल प्यारी सी पाइनएप्पल की खुशबू है एंड इट टेस्ट रियली अमेजिंग। एंड आप इसको वंस इट इज पुट इन द फ्रिज इसको आप गर्म टोस्ट पे लगा के खाएं, पराठे के साथ खाएं, पुट इट इन योर केक्स, यूज इट फॉर योर एनी डेजर्ट। इट इज एन अमेजिंग थिंग आई टेल यू टू हैव इट इन द फ्रिज ऑलवेज। सो दिस वॉज द रेसिपी फॉर द डे। I'll see you next Saturday at 7 PM with another recipe, a quick instant one as usual. But before we wind up, it's time for the tip of the day. So friends, now it's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक वेरी सिंपल आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ, वेरी सिंपल टिप्स टू मेक आवर डे टू डे लाइफ easier. So, आज का जो मेरा टिप है दैट इज रिलेटेड टू द किचन सिंक। तो जो किचन सिंक होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डू आई कॉल इट द एक्सेसरी इन अ किचन। लेकिन मेरा ये जो आज का टिप है कि जब भी आप सिंक लें ट्राई टू टेक अ सिंक विद टू बोल्स, वेदर टू इक्वल साइज्ड बोल्स और अ बिगर बोल एंड अ स्मॉलर बोल इफ साइज परमिट्स। अगर आपके पास 4 फुट भी जगह है तो उसको भी आप ट्राई करें कि 4 फुट में आप 2 बोल वाला सिंक लें। बिलीव मी डे टू डे जब आप कुकिंग कर रहे होते हो एंड व्हेन यू आर डूइंग द कुकिंग इन अ रश दिस इज रियली हेल्पफुल। वेदर यू यूज वन ऑफ द सिंक ओनली फॉर वॉशिंग योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और यू आर यूजिंग वन बोल फॉर कीपिंग द डर्टी यूटेंसिल्स व्हाइल द सेकंड बोल फॉर द क्लीन यूटेंसिल्स, इट हेल्प्स इन मेनी वेज। So that is the simple, very simple tip of the day, which believe me goes a long way in making life easier for all of us in the kitchen. So the tip for the day is use a sink with 2 bowls, whether 2 equal sized big bowls or a big and a small bowl. So that with that we're done for the day and I'll see you next Saturday again at 7 PM with a very quick, instant, mazedar recipe. Till then, enjoy.